और देखिए गुफ्तगू करते हुए राहुल गांधी और सीएम भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं, तो कई योजनाओं का शुभारंभ यहां पर करने वाले हैं, कई योजनाओं के शिलान्यास भी रखेंगे। तो ये आप देखिए किस तरीके से पूजा छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति के लिए एक वृत्त चित्र तैयार किया गया है। हम निवेदन करते हैं अपनी टीम से कि उसकी प्रस्तुति की जाए। छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति के लिए वृत्त चित्र। छत्तीसगढ़ के लोग कृतज्ञ हैं उन बलिदानियों के जिन्होंने इस धरती को अपने लहू से सींचकर खुशहाली के फूल खिलाए हैं। छत्तीसगढ़ में भी जलेगी अमर जवान ज्योति। अमर ज्योति जलाएंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल। तीन फरवरी को राहुल गांधी जी के हाथों होगा भूमि पूजन, शहीदों की अमर ज्वाला। छत्तीसगढ़ के लोग हमेशा सहेज कर रखेंगे उन अमर शहीदों की निशानियों को, सुनते सुनाते रहेंगे उनकी अमर कहानियों को। और इसके साथ ही माननीय मुख्य अतिथि श्री राहुल गांधी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को हम आमंत्रित करते हैं मंच के बाईं ओर शिला पट्टिका के अनावरण के लिए। नवा रायपुर सेवाग्राम और छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति की शिला पट्टिका का अनावरण होने जा रहा है माननीय मुख्य अतिथि महोदय के करकमलों द्वारा। देश में कहीं भी पुलिस सेना सशस्त्र बलों में कर्तव्य पथ पर शहीद होने वाले छत्तीसगढ़ के वीरों और छत्तीसगढ़ में शहादत देने वाले देश भर के रणबांकुरों के सम्मान में ये छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति अनवरत प्रज्वलित होती रहेगी। और साथ ही नवा रायपुर सेवाग्राम के नवीन भवन का शिलान्यास माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा किया गया। नवा रायपुर में वर्धा आश्रम की तर्ज पर गांधी सेवा ग्राम की स्थापना होगी। इसमें महात्मा गांधी जी की स्मृतियों को सहेजा और संयोजा जाएगा। और इसके पश्चात राज्य शासन के विगत 3 वर्षों की महत्वपूर्ण योजनाओं उपलब्धियों पर आधारित कॉफी टेबल बुक का अनावरण यहाँ पर किया जाएगा। इसका शीर्षक है जो कहा सो किया। इसका विमोचन करने के लिए हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री राहुल गांधी जी से सादर निवेदन करते हैं। जिस शासन के विगत 3 वर्षों की
महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर आधारित ये कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया अभी अभी माननीय मुख्य अतिथि युवा हृदय सम्राट श्री राहुल गांधी जी ने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का माननीय मुख्य अतिथि महोदय लैपटॉप पर बटन दबाकर शुभारंभ करेंगे, जिसके लिए हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करते हैं। और इस योजना का शुभारंभ हुआ माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा। ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ आज दिनांक 3 फरवरी 2022 को श्री राहुल गांधी माननीय सांसद लोकसभा के कर कमलों से, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ एवं हितग्राहियों के बैंक खातों में राशि का अंतरण। अब खेतीहर मजदूरों को प्रति परिवार 6,000 रूपए वार्षिक प्रदाय किया जाएगा। प्रथम वर्ष 2021-22 में 3,50,000 से अधिक परिवारों के पंजीयन का विशेष ग्राम सभा में अनुमोदन। प्रथम वर्ष में एक किश्त 2,000 रूपए प्रति परिवार के मान से 71 करोड़ रुपए का भुगतान। मिलेगा न्याय, बढ़ेगी आय। और अब राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के राशि हस्तांतरण के लिए हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करते हैं और हितग्राहियों को सादर आमंत्रित करते हैं। सरगुजा जिले से श्रीमती इंद्रकली पंडो, श्री मुन्ना राम पनिका, श्री सुखनंदन, श्रीमती बसंती। बिलासपुर संभाग से श्रीमती सरधाबाई कैवर्त, श्री सुरेश मरकाम, श्रीमती यशोदाबाई गोस्वामी, श्री लक्ष्मी दास। रायपुर संभाग से श्रीमती रामेश्वरी यादव, श्री टकेश्वर निर्मलकर। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को चेक देकर राशि का अंतरण किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा ऐसे वर्ग को संबल प्रदाय करने की दृष्टि से राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रारंभ किया गया है, और जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की पहचान करना तथा उनको वार्षिक आधार पर आर्थिक अनुदान उपलब्ध। श्री जगनूराम सोरी, श्री सोनाराम नेता, ये सभी हितग्राही राज्य के अलग अलग संभागों से, रायपुर, दुर्ग और बस्तर से शामिल हुए हैं, जो कि मंच पर आज के हमारे कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि के हाथों अपने चेक को वो अपने प्राप्त कर रहे हैं और इसके द्वारा राशि का अंतरण उनके बैंक खाते में किया जाएगा। और इसी के साथ राजीव युवा मितान क्लब योजना की राशि का हितग्राहियों का वितरण इसी मंच पर माननीय अतिथियों के हाथों किया जाना है। और हम आमंत्रित करते हैं राजीव युवा मितान क्लब रायपुर नगर निगम वार्ड क्रमांक 3 बजरंग नगर, जिसमें रामेश्वर साहू और उनके सदस्य हैं, राजीव युवा मितान क्लब रायपुर नगर निगम वार्ड क्रमांक 1 जरवाय सिनोद राद्रे एवं उनके सदस्य, राजीव युवा मितान क्लब रायपुर नगर निगम वार्ड क्रमांक 57 बैरन बाजार मोहम्मद अवैश उल्लाह खान एवं उनके सदस्य, राजीव युवा मितान क्लब रायपुर नगर निगम वार्ड क्रमांक 14 कुम्हारपारा श्रीमती दामिनी नागड़े एवं दल के सदस्य, और राजीव युवा मितान क्लब ग्राम पंचायत हसदा नंबर 2 विकास खंड अभनपुर हितेश कुमार भीमगंज एवं उनके दल के सदस्य मंच पर अतिथियों के हाथों। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने और छत्तीसगढ़ राज्य की युवा शक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से राजीव युवा मितान क्लब योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को क्लब का सदस्य बनाया जाएगा, जिसमें एक तिहाई भागीदारी महिलाओं की होगी। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 11,000
9664 और नगरीय क्षेत्रों में 1605 राजीव युवा मितान क्लबों का गठन किया जाएगा। प्रत्येक क्लब को 1,00,000 रुपये प्रतिवर्ष अनुदान राशि दी जाएगी, जिसका उपयोग ग्राम पंचायतों और नगरीय वार्डों में सामाजिक गतिविधियों, सांस्कृतिक गतिविधियों, खेल गतिविधियों और शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए किया जा सकेगा। और इसके साथ बढ़ते हैं अगले क्रम की ओर और उद्बोधन के लिए पूरे सम्मान और तालियों की आवाज के साथ हम सादर आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी आमंत्रित हैं उद्बोधन के लिए।